क्वालिटी कैसी है, तब जाकर के आपको पता पड़ा ना कि इस थंबनेल पे जो लड़का छपा हुआ है वो कैसे पढ़ा रहा है। मैंने आपसे कहा कि किसी भी चीज को अगर आप अंदर से जानना चाहते हो तो उसके अंदर आपको घुसना पड़ेगा, उसको अंदर झांक के देखना पड़ेगा, उसको खोल के देखना पड़ेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक, माय नेम इज अभिषेक साहू। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेंडिग्राफ जनरेटर। वेंडिग्राफ जनरेटर क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल, एक एक बात आपके दिमाग तक पहुंचेगी, यही मेरा विश्वास है, यही मेरी आज की इस वीडियो की मेहनत है। मैं आपसे बस इतनी सी बात करना चाहता हूँ कि जो जो शब्द मैं आज आपसे इस वीडियो में कहूँ आप उन सबको ध्यान से सुनोगे। मैं आपसे बस इतनी सी बात चाहता हूँ कि 15 मिनट आप मुझे ध्यान से सुन लोगे तो वेंडिग्राफ जनरेटर हमेशा के लिए बस आपका होकर रह जाएगा। तो बस यही मेरी कोशिश, यही मेरी मेहनत है आज की इस वीडियो की कि मैं आपको पूरी तरह से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाऊं, है ना। तो चलिए वेंडिग्राफ जनरेटर क्या होता है पहले इस चीज को समझ लेते हैं। ध्यान सुनना, वेंडिग्राफ जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जो कि बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का काम आता है। क्या बोला मैंने, बोला वेंडिग्राफ जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का काम आता है। आप में से काफी सारे लोग ये इमेजिन कर चुके होंगे कि हाई पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या, और काफी सारे लोग ये इमेजिन नहीं कर पाए होंगे। तो मैंने कहा हाई पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये होता है कि लेट से मेरे पास ये एक प्लेट है, ठीक है ना, मैंने उसको कुछ पॉजिटिव चार्ज दिया, चार्ज देने से पोटेंशियल बढ़ता है ना, तो उसके पास कुछ पोटेंशियल आ गया, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट रखी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने जो है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप कर दिया, इसका कुछ पोटेंशियल पॉजिटिव है, हाई पोटेंशियल, नेगेटिव है, लो पोटेंशियल, तो इन दोनों के पोटेंशियल में अंतर आ गया। तो हमने क्या बोला कि ये है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने से ये होता है कि लेट से मैंने इन दोनों के बीच में एक चार्ज रखा, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज, तो देखो क्या होगा, तो ये चार्ज जो है जाएगा और इस डायरेक्शन में ड्यू टू रिपल्जन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट कर जाएगा, क्या करेगा, इस साइड एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। मान लो मैंने क्या किया, इन दोनों पे चार्ज बढ़ाया, चार्ज बढ़ाऊंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, दैट मींस पोटेंशियल बढ़ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया, समझ गए, मैंने चार्ज बढ़ाया, चार्ज बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, दैट मींस क्या हो गया कि इस चार्ज पे अब और ज्यादा फोर्स लगेगा, इसको और ज्यादा एनर्जी मिलेगी और ज्यादा ताकत के साथ भागेगा। तो उसका मतलब है कि वेंडिग्राफ जनरेटर का काम क्या है, वेंडिग्राफ जनरेटर का काम है पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करना, क्या, पोटेंशियल के अंतर को बढ़ा देना ताकि हमारा जो चार्ज है बहुत ज्यादा एक्सेलरेट कर पाए, बात को समझना। तो ये वेंडिग्राफ जनरेटर का काम क्या है, बोले ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, और ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है तो याद रखना सेवरल मिलियन वोल्ट, कई मिलियन वोल्ट ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। मिलियन वोल्ट समझते हो, 10^6, 10,00,000 वोल्ट, है ना, तो ये 2 मिलियन वोल्ट, 3 मिलियन वोल्ट, इस तरह से इतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस ही क्रिएट कर सकता है। बोला पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने की जरूरत क्यों, तो जरूरत इसलिए ताकि हम किसी चार्ज को एक्सेलरेट करा पाए, जरूरत इसलिए कि उस चार्ज को एक्सेलरेट करा पाए तो हम कुछ जान पाए, मतलब क्या जान पाए, पहले बात सुनो, इसको बताने से पहले कि हम चार्ज को एक्सेलरेट कराते क्यों हैं, तो हमें ये जानना होगा कि अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखें, ठीक है, तो ये सेट भाग जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे न्यूट्रल रखता हूँ कोई भी पार्टिकल, जैसे कि न्यूट्रॉन, नेगेटिव चार्ज का ही बताऊंगा, न्यूट्रॉन रखता हूँ तो क्या होगा, इस न्यूट्रॉन का मतलब क्या है, न्यूट्रल चार्ज, सॉरी न्यूट्रल पार्टिकल, तो इस न्यूट्रॉन पे कोई फोर्स लगेगा, बोला नहीं लगेगा, तो न्यूट्रॉन पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो हम वेंडिग्राफ जनरेटर से न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करा सकते, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, ना ही उसको पॉजिटिव चार्ज से और ना ही उसको नेगेटिव चार्ज से कोई भी फर्क पड़ने वाला है, क्लियर इतनी बात। चलिए अब आपसे बात करते हैं कि वेंडिग्राफ जनरेटर का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करना, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्यों क्रिएट करते हैं, देन हमारा आंसर है चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराते हैं, और उस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट क्यों कराते हैं आप उसको सुनो। मैंने कहा आपसे कि आप इस वीडियो के अंदर आए तब जाकर के आपको पता पड़ा ना कि इस वीडियो की क्वालिटी कैसी है, तब जाकर के आपको पता पड़ा ना कि इस थंबनेल पे जो लड़का छपा हुआ है वो कैसे पढ़ा रहा है। मैंने आपसे कहा कि किसी भी चीज को अगर आप अंदर से जानना चाहते हो तो उसके अंदर आपको घुसना पड़ेगा, उसको अंदर झांक के देखना पड़ेगा, उसको खोल के देखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको सारी बातें पता पड़ेंगी। तो मैंने कहा कि अगर आप न्यूक्लियस के अंदर जानना चाहते हो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा और क्या क्या है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको उस न्यूक्लियस को तोड़ के देखना पड़ेगा, और उसको तोड़ के देखने का तरीका, उसको तोड़ के देखने का तरीका होता है कि उसको आप किसी पार्टिकल से स्ट्राइक कराओ जो कि बहुत एनर्जी के साथ हो, और उसका चीरता फाड़ता हुआ अलग अलग हो जाए, समझ गए। तो क्या करना पड़ेगा, लेट से हमने यहां पर जो है ना एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ले लिया। मैंने आपसे कहा कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्यों, न्यूट्रॉन लोगे तो उस पर पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस का कोई भी इफेक्ट, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपने क्या ले लिया, बोला पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ले लिया, अब ये यहां से जा सकता है आराम से, ताकत का टकराएगा और इसको तोड़ सकता है,
ठीक है। अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले लोगे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की कंपैरिजन में यानी कि पॉजिटिव चार्ज कंपैरिजन इतना छोटा होता है कि इसमें छेद करके एक पिन की तरह निकल के चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये जैसा का जैसा रह जाएगा, समझ रहे हो। तो हमने क्या लिया, एक प्रोटॉन लिया या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स लिए, अल्फा पार्टिकल ले लिया, ठीक है ना, जो कि इसको जाएंगे और इसको तोड़ देंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन लोगे तो इलेक्ट्रॉन खुद ही इतना हल्का है कि छेद करके निकल जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो ना, बात समझ गए ना। जैसे मान लो कि अगर मैं किसी चीज़ से छेद करता हूँ, मान लो अगर मैं इसमें छेद कर दूँ, इससे छेद करूँ, अगर मैं मान लो इन दोनों को घुसेड़ दूँ इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये फट जाएगा। अगर मान लो इतने छोटी सी पिन को घुसेड़ दूँ इसके अंदर, लो ये घुसेड़ दिया, वापस से ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, तो इसका मतलब समझ पाए आप कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर घुसेड़ूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे इसको पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इसके अंदर घुसेड़ना पड़ेगा जिससे तोड़ दे। तो बात समझ गए, लोवेंडी ग्राफ जनरेटर क्या, ऐसा डिवाइस जो कि हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का काम आता है। दूसरी बात, बोला हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट क्यों करना है, तो हाई पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए क्रिएट करना है क्योंकि हम पार्टिकल को, हम अपने चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराना चाहते हैं, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराना चाहते हैं। तीसरी बात, ये एनर्जी मुझे प्रोवाइड करानी क्यों है, देन हमारा आंसर, ये एनर्जी मुझे इसलिए प्रोवाइड करानी है ताकि मैं अपने चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराऊँ, एनर्जी दूँ और उस न्यूक्लियस को या फिर किसी पार्टिकल को तोड़ के देखूँ कि उसके अंदर क्या है, है ना। दैट मीन्स न्यूक्लियर रिएक्शंस में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स जैसी प्रोसेस में ये काम आता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि वेंडी ग्राफ जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल कैसा है, ये कैसे ऐसा अद्भुत काम करता है। तो याद रखना, इसके लिए आपको दो बातें याद रखनी पड़ेंगी, आप हेडिंग बना सकते हो प्रिंसिपल ऑफ वेंडी ग्राफ जनरेटर। क्या मैं इस चीज को हटा दूं, ठीक है ना। देखो, मैंने कहा प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे, किस सिद्धांत पे ये काम करता है वेंडी ग्राफ जनरेटर। तो याद रखना, प्रिंसिपल ऑफ वेंडी ग्राफ जनरेटर दो हैं, यानी कि दो प्रिंसिपल पे वेंडी ग्राफ जनरेटर काम करता है, डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ शार्प एजेस एंड रिसीविंग एक्शन ऑफ हॉलो स्फीयर। डिस्चार्ज करना, पहला पॉइंट सुनो, डिस्चार्ज मतलब रिलीज करना, बाहर निकालना खुद में से, तो डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ शार्प मतलब नुकीले एजेस, पेने किनारे, है ना। जैसे मान लो अगर मैं ऐसा बोलूं कि डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ शार्प एजेस का मतलब है कि ये नुकीला पॉइंट है, ये शार्प पॉइंट है, इसमें से किस तरह से चार्ज डिस्चार्ज होता है, इस पर डिपेंड करती है वेंडी ग्राफ जनरेटर की वर्किंग। अच्छा, सारी बातें समझाऊंगा, टेंशन ना लो, सारी बातें समझाऊंगा, क्लियर है। चलिए, तो मैंने कहा कि आपके पास जो है ना एक बॉडी है, एक स्फीयर है, इसको मैं कोई चार्ज देता हूँ, तो ये चार्ज इसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताना, मैंने कहा कि किसी सॉलिड स्फीयर को, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर को मैंने चार्ज दिया, तो पूरा का पूरा चार्ज, सारा का सारा चार्ज कहाँ आ जाता है, वो इसकी सरफेस पे आ जाए, क्यों, क्योंकि सारे के सारे चार्जेस खुद को रिपेल करते हैं, क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो वो क्या करना चाहते हैं, बोला वो भागना चाहते हैं। अगर वो भागना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है, वो जितनी दूर भाग सकते हैं उतनी दूर भागेंगे, है ना, जितनी दूर भाग सकते हैं उतनी दूर भागेंगे। अब वो आ गए सरफेस पे, इसकी आउटर सरफेस पे आ गए, अब वो नहीं भाग सकते, क्यों, क्योंकि अब इसके आगे का रास्ते नहीं है, ये सारे के सारे पॉइंट बराबरी पे हैं, तो उसका मतलब वो आगे नहीं भाग सकते। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन मिल जाए कि अगर हमारे पास इस तरह की बॉडी है, ये इस तरह की बॉडी है, तो क्या हुआ, हमने इसको चार्ज दिया, तो चार्ज आप जानते हो अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, चार्ज बराबरी से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम समझते हैं कि चार्जेस आपस में क्या करते हैं, बोले चार्जेस आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, अरे भाग यहां से, धक्का देते हैं उसको, क्या करते हैं, बोले भगाते हैं आपस में एक दूसरे को। तो अगर कोई चार्ज भाग रहा है, अगर आप किसी से भागना चाहते हो किसी से, तो जितनी दूर हो सकता है आप उतनी दूर भागोगे, तो इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब यह है कि आप ऐसे पॉइंट पे भागोगे, आपको लग रहा है कि ये चीज़ खत्म होने वाली है, समझ रहे हो, आपको लग रहा है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस कहाँ पे इकट्ठे होंगे, जहाँ पे शार्प पॉइंट्स हैं, क्या है, जहाँ पर शार्प पॉइंट्स हैं वहाँ पे ज़्यादा चार्ज इकट्ठे होते हैं, है ना। जैसे मान लो आपने पढ़ा ना, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए, जहां पर एरिया छोटा वहां पर चार्जेस की डेंसिटी सिग्मा ज्यादा, जहां पर एरिया छोटा वहां पर चार्जेस की डेंसिटी यानी कि सिग्मा ज्यादा, क्योंकि ये पॉइंट इसके सेंटर से दूर होगा, है ना, इसकी रेडियस छोटी होगी। बात को समझने की कोशिश करो, अगर आप ना समझ पा रहे हो तो एक बात याद रखोगे कि अगर आप किसी सरफेस को, यदि आप किसी कंडक्टर को चार्ज देते हो और अगर उस कंडक्टर में नुकीले पॉइंट्स हैं यानी कि शार्प एजेस हैं, तो वहां पर कंडीशन बनेगी कि जो चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। वो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा कि जहां पर नुकीले पॉइंट हैं वहां पे चार्ज की डेंसिटी ज्यादा,
बिकॉज चार्जेस के बीच में रिपल्जन होता है, जिसके कारण से वो जितना दूर भाग सकते हैं उतना दूर भाग के दिखाते हैं और वो नुकीले पॉइंट्स पर ज्यादा पहुंच जाते हैं। अब मेरी बात को सुनना, तो उसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब समझना कि अगर मेरे पास ये पॉइंट है, अगर मेरे पास ये पॉइंट है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा चार्जेस आ गए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चार्जेस आ गए, मतलब चार्जेस आते चले जा रहे हैं मेरी मैया चार्जेस आते चले जा रहे हैं, अब क्या होगा, इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा चार्जेस इकट्ठे हो गए। चार्ज क्या चाहते हैं, चार्ज चाहते हैं रिपेल करना, भाग जाना यहाँ से। तो अगर वो भाग जाना चाहते हैं तो देखो इसके आसपास क्या है, मतलब इसके आसपास हवा है, क्या इसके आसपास एयर है, इसके आसपास एयर है, तो इसका मतलब क्या है, बोला ये रहा एयर का एटम, ये रहा एयर का एटम, एयर के एटम के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। जब ये चार्जेस बहुत बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जब ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने लगते हैं, तो फिर क्या होता है कि ये वाले चार्ज एयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचते हैं। एयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचा तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज। जब इसने एयर के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो ये वाला एटम क्या बन गया, बोला ये एटम पॉजिटिवली चार्ज हो गया, क्यों, क्योंकि अब इस एटम में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब इसी तरह से बोला ये वाला एटम है एयर का दूसरा एटम, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया था ना, तो इस एटम ने, ये पॉजिटिवली चार्ज एटम ने इसका एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया, ठीक है ना, तो फिर ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो शार्प एजेस हैं, इसने अपने पॉजिटिव चार्जेस हवा में ट्रांसफर करा दिए। बात समझ गए मेरी, मैंने आपसे क्या कहा, एक बार और समझने की कोशिश करो, मैंने आपसे ये कहा कि अगर आपने शार्प एजेस को बहुत ज़्यादा चार्ज दे दिया, बहुत चार्ज हो जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, जिसके कारण से क्या होगा, ये एयर के एटम में से इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे, ठीक है ना, एयर के एटम में से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो एयर के एटम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये पॉजिटिव चार्ज बन गया, ठीक है ना, ये वाला एटम दूसरे एटम से एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज बन गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहां पर जो है ना एक चिंगारी टाइप की चमकती है, क्या बोलते हैं इसको चिंगारी टाइप की, क्योंकि जैसे मान लो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, आपस में टकराएंगे, है ना, तो लाइटनिंग होगी, हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल विंड, है ना, या फिर मैं बोलूं इलेक्ट्रिक विंड, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक विंड। तो ये चार्ज क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्जेस कहां पहुंच गए, बोला ये यहां पर पहुंच गए, समझ गए, तो हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फ्रॉम शार्प पॉइंट्स, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फ्रॉम शार्प पॉइंट। मुझे लगा था कि वेन डायग्राफ जनरेटर की ये वीडियो छोटी हो जाएगी, लेकिन जो है ना सारी चीज़ों को डिटेल में अगर आप समझोगे तो आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फ्रॉम शार्प पॉइंट्स, ठीक है ना, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज हो गई, ठीक, चलिए इसको हटा दूं मैं, तो आपको समझ में आएगा कि जो शार्प एजेस होंगे वहां से इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वहां से जो है ना चार्जेस ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है ना, हवा से भी इलेक्ट्रॉन खींच लेते होगा, कर लेते हैं, हवा से भी इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, ठीक है, हवा से इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो हवा का इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया, हवा के पास कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दूसरी कहानी सुनो, तो ये आपको पहला प्रिंसिपल समझ में आया, ठीक है, ये इसके अंदर यूज होगा। दूसरी कहानी सुनो, रिसीविंग एक्शन ऑफ होलो स्फीयर, क्या बोला मैंने, रिसीविंग एक्शन ऑफ होलो स्फीयर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लो मेरे पास जो है ना एक स्फीयर है, स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज है, ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव ये चार्ज है, ठीक है ना। अब बात को समझना, लेट से मेरे पास ये एक होलो स्फीयर है, ठीक है, होलो स्फीयर पे क्या होता है कि लेट से मेरे पास जैसे मान लो इस पर जो मैंने चार्ज दिया, तो चार्ज दूंगा तो पोटेंशियल आएगा, तो चार्ज देने से इस पे आ गया 200 वोल्ट का पोटेंशियल। तो याद रखना जितना पोटेंशियल इसकी सरफेस पे होता है उतना ही पोटेंशियल इसके अंदर। यहाँ पे मैं थोड़ी सी माफी चाहूंगा कि अगर आपके प्रीवियस जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो ये आपको यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बात को सुनना, याद रखना है कंडक्टिव स्फीयर के लिए हम बात कर रहे हैं कि जितना पोटेंशियल इसकी सरफेस पे उतना ही पोटेंशियल इसके अंदर, ठीक है ना, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है और पोटेंशियल का बात है जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो जितना पोटेंशियल सरफेस पे उतना पोटेंशियल अंदर, अगर आपको क्लियर नहीं है बात तो आप इस चीज को समझ लो, याद रख लो, ठीक है, जितना पोटेंशियल सरफेस पे उतना पोटेंशियल सरफेस के अंदर, ठीक है। चलो तो मान लो अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं एक चार्ज लेकर के आता हूं, क्या करता हूं, एक चार्ज लेकर के आता हूं, इस चार्ज का खुद का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इस चार्ज का खुद का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, अगर मैं इस चार्ज को उठा करके इसके अंदर रखता हूं, ठीक है ना, इसके अंदर रखता हूं, तो देखो क्या हो जाएगा, इस सरफेस का, इस जगह का पोटेंशियल कितना, मतलब इस जगह का पोटेंशियल है 200 वोल्ट, ठीक है। एक चार्ज को और लेकर के आया जिसका खुद का पोटेंशियल कितना था, 10 वोल्ट, तो इस चार्ज के पास टोटल कितना पोटेंशियल हो गया, अंदर कितना पोटेंशियल हो गया, 210 वोल्ट, कितना हो गया, 210 वोल्ट, ठीक है, बात समझ गए। अच्छा देखो, तो अगर ये चार्ज यहां पे रखा हुआ है, इसका पोटेंशियल 210 वोल्ट, इस सरफेस का पोटेंशियल 200 वोल्ट, अगर मैं एक कंडक्टिंग वायर से इसको कनेक्ट करा दूंगा, इस चार्ज को,
या इस पार्टिकल को मैं बोलूँ, इस पार्टिकल को मैं कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करा दूंगा, तो इस पार्टिकल के पास जो भी चार्ज होगा वो कहाँ आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर वाला 210 पर है यानी कि हायर पोटेंशियल पे है, और बाहर वाला 200 वोल्ट पे यानी कि लोअर पोटेंशियल पे है। और आप जानते हो मतलब पॉजिटिव चार्जेस जो हैं या फिर चार्जेस जो हैं कहाँ से फ्लो होंगे, मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव चार्जेस, कहाँ से कहाँ फ्लो होते हैं, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इसका मतलब क्या है कि जितना भी चार्ज कुछ भी अगर आप इसके अंदर डालोगे तो कितना आ जाएगा, बोला वो सारा का सारा चार्ज कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्यों? लेट्स से मान लो कि मेरे पास जो है ना इसके अंदर पोटेंशियल कितना, 200 वोल्ट। मैंने एक दूसरा पार्टिकल लिया जिसका खुद का पोटेंशियल 100 वोल्ट। क्या लिया मैंने, स्टील का या फिर एक मेटल का पीस ले लिया और इसको मैंने चार्ज दे दिया। इसका खुद का पोटेंशियल 100 वोल्ट। इस चार्ज पार्टिकल को यानी कि इस पार्टिकल को मैंने अंदर रखा तो उसका पोटेंशियल कितना, मतलब 300 वोल्ट। 200 इसका था इस जगह का खुद का और 100 इसका था, और इसको कनेक्ट करा दिया मैंने इस पार्टिकल को इसके साथ। तो जो भी चार्ज अंदर होगा वो सारा का सारा चार्ज कहाँ जाएगा, बाहर। क्यों? बोले ये हायर पोटेंशियल पे और ये लोअर पोटेंशियल पे। अब आप इसको कुछ भी चार्ज देना, ये सारा का सारा चार्ज कहाँ जाएगा, बाहर। तो हम इसको बोलते हैं कि बाहर वाला जो स्फीयर है उसने सारा का सारा चार्ज रिसीव कर लिया। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज रिसीविंग एक्शन ऑफ हॉलो स्फीयर। क्या बोलते हैं इसको, रिसीविंग एक्शन ऑफ हॉलो स्फीयर। ये प्रिंसिपल हुआ वेंटिग्राफ जनरेटर का। चलिए आइए अब समझ लेते हैं कि इसका जो है ना इसका वर्किंग कैसे है, ये किस तरह से काम करता है, ठीक है ना। तो इसको हटाते हैं और आपको थोड़ी सी बातें और समझाते हैं, ठीक है। अब देखो इतनी बात अगर आप समझ गए ना तो आप सारी चीजें समझ गए। अब आपको कुछ नहीं बचा यहां पे, बस आपको ये जान लेना है कि किसका नाम क्या है, दैट्स ऑल। बस सिंपल सी बात है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक मेटेलिक हॉलो स्फीयर है। क्या है, मेटेलिक हॉलो स्फीयर, मेटल का हॉलो स्फीयर है, ठीक है ना। चलिए ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मेटेलिक कॉम्ब है। क्या है, मेटेलिक कॉम्ब है ना, जो हमारे बालों को कंघी करने वाले कंघे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्ब। ये कैसे है, मेटेलिक कॉम्ब, ठीक है ना। इसके पास क्या है, बोला शार्प एजेस। याद आ रहा है डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ शार्प एजेस। चलिए ये शार्प एजेस है। ये देखो मेटेलिक कॉम्ब जो है कनेक्टेड है हाई टेंशन बैटरी से। किससे, हाई टेंशन बैटरी से। हाई टेंशन बैटरी का मतलब है कि इसका खुद का पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो देखो ये बड़ा वाला जो टर्मिनल है ये क्या है, बोला पॉजिटिव। तो ये कनेक्ट है पॉजिटिव से, तो यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, तो ये देखो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये मेटेलिक कॉम्ब पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है ना, तो इसका मतलब है यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसका नेगेटिव टर्मिनल देखो ये अर्थ है। कैसा है, ये नेगेटिव टर्मिनल अर्थ से कनेक्टेड है। अर्थ से कनेक्टेड करना इसलिए जरूरी है कि जब तक सर्किट पूरी नहीं होगी तब तक करंट का फ्लो नहीं होगा। चलिए ठीक है। तो देखो यहां पे ये क्या है भाई, ये देखो गोल गोल रोलर टाइप के लगे हैं। ये गोल गोल रोलर हैं पुलीज, क्या बोलेंगे इसको, पुली। ये हो गई पुली P1 और ये हो गई पुली P2। ये पुली सेम वही रोलर है जो हमारे चक्की पे, आटा पीसने वाली चक्की पे लगे होते हैं, है ना। एक पहिया, उसके ऊपर एक बेल्ट चढ़ा होता है और वो बेल्ट उसको इस तरह से घुमाता है। तो बस देखो ये क्या है, बोला पुली P1, ये पुली P2, ठीक है। और इनके ऊपर एक बेल्ट चढ़ा है जिसका नाम है नायलॉन बेल्ट। क्या है, नायलॉन बेल्ट। ये जरूरी नहीं कि नायलॉन गई हो, है ना। ये कैसा होता है, ये इंसुलेटिंग होता है। कैसा होता है, इंसुलेटिंग। अब इंसुलेटिंग बोला सर समझते हैं हम, तो एक बार हमारे मुंह से सुन लो। बोला इंसुलेटिंग कैसा, इंसुलेटिंग का मतलब ऐसा बेल्ट जिस पे जहां पे चार्ज दोगे वो चार्ज वहीं पे रह जाएगा, और कंडक्टर में चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, इंसुलेटिंग में नहीं हो पाता। एक बार फिर सुनो, इंसुलेटिंग में जहां चार्ज दोगे वो चार्ज वहीं रह जाएगा, ठीक है। अब देखो ये पुलीज को घुमाने वाला काम कौन करेगी, बोला यहां पे लगी है मोटर। ये चक्की में एक पहिए से एक चक्के से क्या लगी, तो मोटर, तभी तो घूमता है ना, समझ गए बात को, ठीक है। तो ये मोटर लगी है जो इन पुलीज को घुमाएगी, ये पुली घूमेंगी, ठीक है ना। ये देखो अब देखो बात को समझो, यहां पे कंडीशन क्या है, बोला कंडीशन कुछ नहीं है। मैंने कहा कि ये कनेक्ट है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो इसके जो मेटेलिक कॉम है वो क्या हो रहे हैं, बोला पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा इतने पोर्शन को मैं आपको जूम करके यहां दिखा दूं, तो ये देखो जूम कर लिया मैंने इसको, ठीक है। ये मेटेलिक कॉम्ब है, इसको जो है ना पॉजिटिव चार्ज यहां से मिल रहा है बहुत ज्यादा। अब देखो जूम कर लिया मैंने इतने पोर्शन को, ठीक है। अब देखो यहां पे बहुत 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 ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज। ये इतने पॉजिटिव चार्ज हो गए कि इन दोनों के बीच में जो खाली जगह है ना, यहां पे एयर भरी हुई है। क्या है, एयर। अब इनके बीच में एयर है, तो एयर के पास क्या होते हैं, एटम। तो ये क्या करेंगे, एयर का एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ठीक है ना। तो एयर का एटम का एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसके एटम के पास इलेक्ट्रॉन कमी हो गई, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसी तरह से पास वाले एटम से एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पहुंच गया। इसी तरह से पास वाले एटम से एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पहुंच गया। इसके पास में लगा है बेल्ट, ठीक है ना। तो अब देखो बेल्ट से क्या हुआ,
बेल्ट से ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये इतना पॉजिटिव चार्ज है, इतना ज़्यादा चार्ज यहाँ पे डेवलप हो जाता है कि इस इंसुलेटिंग मटेरियल में से एक इलेक्ट्रॉन खींच करके ये ले आता है। जब इंसुलेटिंग मटेरियल से एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये इंसुलेटिंग मटेरियल यानी कि इंसुलेटिंग बेल्ट के पास क्या पहुंच गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से अगर हम इस कॉम्ब को पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज हवा के जरिए, हवा के थ्रू कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, हवा के थ्रू इस बेल्ट पे ट्रांसफर हो जाता है। तो मान लो इस बेल्ट पे यहाँ पे पहुँच गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये बेल्ट कैसा है, ये बेल्ट है इंसुलेटिंग, ये बेल्ट इंसुलेटिंग का, जहाँ पे चार्ज दिए वो चार्ज ही हो जाएगा। तो हमने क्या किया, बेल्ट को चार्ज दिया, ये चार्ज हो गया पॉजिटिव चार्ज, इतनी जगह पॉजिटिव चार्ज हो गई। अब ये चक्की घूम रही है, पुलीज घूम रही है, ये पुली पहुंचेंगी ऊपर, जब ये पुली पहुंच जा, चार्ज मान लो यहाँ चिपक गया, अब पुली पहुंचेंगी ऊपर, तो पुली पहुंच गई ऊपर तो ये चार्जेस भी पहुंच गए ऊपर, पुली पहुंच गई यहाँ पे तो चार्जेस भी पहुंच गए यहाँ पे, ये चार्जेस भी पहुंच गए यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ, ये चार्जेस थोड़े बहुत नहीं होते, ये चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये चार्जेस पहुंचे यहाँ पे, फिर क्या बात बन गई कि भाई एक मेटेलिक कॉम्ब यहाँ कनेक्ट है, ठीक है ना। तो अब देखो इतने ज्यादा चार्जेस हो गए कि फिर से हवा के जरिए ये चार्जेस कहाँ ट्रांसफर हो गए, कहाँ ट्रांसफर हो गए, इस मेटेलिक कॉम्ब के पास, ठीक है ना। ये देखो मेटेलिक कॉम्ब लगी है, ये चार्ज पहुंचे यहाँ पे, ठीक है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह से क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस साइड ट्रांसफर हो जाएंगे, तो देखो इस साइड पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हुए तो ये वाले जो चार्ज थे ना यहाँ पे चार्ज आए थे, वो चार्ज सारे के सारे चार्ज कहाँ पहुँच गए, इस मेटेलिक कॉम्ब के पास, इस मेटेलिक कॉम्ब के पास चार्ज पहुँचे तो ये चार्ज इस बड़े वाले स्फीयर पे पहुँच गए, क्या हो गए, बड़े वाले स्फीयर पे पहुँच गए। इस तरह से ये चार्जेस बड़ा वाला स्फीयर रिसीव करता रहता है, बड़े वाले स्फीयर पे चार्जेस पहुँच गए, ठीक है ना। अब देखो इस बेल्ट पे से चार्जेस निकाल दिए गए, तो जब ये बेल्ट घूम के इस साइड आएगा ना तो इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, फिर बेल्ट घूमेगा और फिर बेल्ट पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा और फिर ये पॉजिटिवली चार्ज बेल्ट ऊपर पहुंचेगा और फिर से ये जाएगा और ये मेटेलिक कॉम्ब से फिर से चार्ज ले लेगा और सारा का सारा चार्ज ऊपर पहुंच जाएगा, ये रिसीव कर रहा है चार्जेस को, और फिर से ये बेल्ट अनचार्ज हो जाएगा अपने चार्ज देने के बाद, ये खाली हाथ लौट के आएगा और उस तरह से घूमता रहेगा। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि यहाँ पर इतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, इतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और पास के पास जीरो है, यानी कि इसके पास 500 वोल्ट पोटेंशियल हो गया, 500 वोल्ट, और इसके पास जो पास में जो कुछ भी है दूसरा वो जो चार्ज है उसके पास जीरो है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, नहीं आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जरूरी नहीं कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव और एक जीरो हो जाए, एक पॉजिटिव 500 पॉजिटिव 200, तब भी तो पोटेंशियल में अंतर आ गया ना, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, जैसे जैसे चार्ज उसके पास पहुंचता जा रहा है, जैसे जैसे इस बड़े वाले स्फीयर के पास चार्ज पहुंचता जा रहा है, वैसे वैसे इसका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। तो हम बोलेंगे कि बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से क्रिएट होता है। अच्छा, दूसरी बात, एक बात और समझना आप यहाँ पे, अगर ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस इसके, ज्यादा चार्ज इसके पास आ जाएगा तो इसके साथ क्या होगा कि जो हवा है, एयर, जो एयर है, फिर ये एयर में से अपना चार्ज लीक करने लगेगा, एयर के पास क्या करने लगेगा, अपना चार्ज लीक करने लगेगा, एयर में से इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको एक ऐसे चैम्बर में कनेक्ट करते हैं, अब मैं डायग्राम जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा गंदा हो जाएगा, एक ऐसे चैम्बर में कनेक्ट करते हैं जिसके अंदर हम एयर को हटा करके या तो वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं या एक ऐसी गैस भर देते हैं इसके अंदर कि उसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन ना खींचे, उसमें आसानी से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ना हो, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज उसके ऊपर इकट्ठा होता रहेगा। क्लियर बात आपको इतनी, चलिए। तो अब उसको हम यूज़ कहाँ करेंगे, इसको यूज़ करेंगे पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कराने के लिए, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, यहाँ पे जो है ना अब एपरेटस वगैरह बना दिए जाते हैं, वहाँ पे पार्टिकल को रखा जाएगा और उसको एक्सेलरेट करा दिया जाएगा, टारगेट से हिट कराएंगे इस तरह की न्यूक्लियस हमने बनाई थी और न्यूक्लियस के अंदर जाकर देख लिया जाएगा। क्लियर है। इसके डीमेरिट वगैरह बताएं आपको, इसके डीमेरिट ये हैं कि इसका जो साइज है ना काफ़ी बड़ा है, और अब ये जो तरीका है ना ये पुराना हो गया, ये ऑब्सोलेट हो गया। क्लियर है तेरी बात, ठीक है। तो अब हम क्या यूज़ करते हैं, अब हम अलग अलग टाइप के एक्सेलरेटर बन गए हैं, वहाँ से हम ये सारे काम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बस स्टडी के लिए रह गया है और जो छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको करते हैं, बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट भी होते हैं, लेकिन जो है इस काम को करने के लिए, चार्जेस को एक्सेलरेट कराने के लिए अब दूसरे मेथड भी इम्प्लीमेंट किए जाने लगे हैं, ठीक है ना। तो चलिए, ये था वेंडीग्राफ जनरेटर, कैसा लगा आपको कॉमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है ना। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि ये वेंडीग्राफ जनरेटर आपके दिमाग में गया या नहीं गया, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।